सफर हो आसान, किन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। सामने जो आदमी बैठा है वो ही था जिसे मैं पकड़ के यहां पर लाया। बाबू, आकांक्षा दीक्षित का आदमी। आकांक्षा, बाबू, इसका मतलब तुम इन लोगों को जानते हो? दिस इज अनएथिकल, इनह्यूमन। और तो और, तुमने इस खून के इल्जाम में मेरे बड़े भाई रोहित को फंसा दिया, मेरे देवता समान भाई को खून के इल्जाम में फंसा दिया तुमने। मैंने आपके बड़े भाई को फंसाया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं केस का सब पेपर तैयार करता हूँ जमानत के लिए। आप ये समझिए कि एक घंटे में आपका भाई आपके घर होगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया, ये तो मेरा फर्ज है। आप ये क्या कह रहे हैं? देखो यश, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसमें इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की कोई मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। भैया मैं समझ नहीं रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। भैया आप देखो, ये नाटक करना बंद कर दो। अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि तुम बाबू को जानते हो। भैया ये सारी बातें गलत हैं। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाएंगे। भाभी, दीदी, दीदी आप ये क्या कह रही है, क्या कह रही है? दीदी आप ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। आपको मेरी कसम दीदी, प्लीज मेरे पति की जान पर बनाइए और तुम मुझे कसम दिला रही हो, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। यश, यश आप इन्हें समझाइए ना प्लीज। भाभी आप ये घर छोड़ के। बस यश बस, अब तुमने एक शब्द भी और बोला तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यश बस, अब तुमने और कुछ भी कहा ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कहकर आपने मुझे जीते जी मार दिया। चलिए रोहित, अब हम यहां नहीं रहेंगे। जाइए, चले जाइए आप लोग। जाना चाहते हैं हम सबको छोड़कर? चले जाइए, हम तो आप दोनों को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आखिर हम आपके लगते क्या है? समझ गई दीदी। भाभी आपने एक ही पल में हम सबको पराया कर दिया था। दीदी ऐसे मत कहिए। सीमा चुप, आज मुझे कहने दे, आज मुझे मत रोकना। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई, मैं चुप रही, मैं हर कम सहती रही, हर दुख सहती रही। और जानती है सीमा, मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया? ये सब कुछ मैंने
मैंने भैया भाभी के लिए किया, क्योंकि इन दोनों को मैं अपना समझती थी, अपना सहारा समझती थी, और आज यही दोनों मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। जाइए, चले जाइए, मैं आप लोगों के बगैर रह सकती हूँ, चले जाइए मुझे छोड़कर। अनीता, समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं समझना चाहती हूँ मैं। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, झोली झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, प्लीज इस घर से मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज दीदी। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा है। अब अगर आप दोनों भी हमें अनाथ छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भैया, आपने तो रक्षाबंधन के दिन मेरी रक्षा करने का वादा किया था ना भैया, आप कैसे जा सकते हैं छोड़कर? रुक जाए भैया। देखो अनीता, तुम ये सब कहकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रही हो, अब यहाँ पे रहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है इस घर में रहना? क्योंकि प्लीज मत चाहिए। ठीक है अनीता, हम इस घर में रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। यश से कह दो कि गलती से भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा। कि मैं हत्या जैसे घिनौने इल्जाम में अपने देवता स्वरूप भैया को फंसा सकता हूं? नहीं यश, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूं, लेकिन लेकिन क्या भैया गलत है? पता नहीं अनीता, मैं कैसे समझाऊं? भैया जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो फिर सही कौन है? कौन है सही? यश, तुम अपनी जगह सही हो, भैया अपनी जगह सही है, तो गलत कौन है? आकांक्षा दीक्षित, क्या वो गलत है? जिसके आदमी ने भैया को खून के इल्जाम में फंसाया, क्या वो गलत है? बताओ बताओ यश, तुम चुप क्यों हो? यश, वो एक गलत औरत है, तो फिर भी उसके साथ बात करते हो? यश, बताओ तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? प्लीज यश, बताओ ना प्लीज। अनीता, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा अनीता कि मैं गलत नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। यश, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम पर इल्जाम भी नहीं लगा रही हूं, लेकिन बताओ यश, मैं कैसे चुप रहूं? मेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, मैं चुप कैसे रह सकती हूं? मैं जानती हूं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं नीता, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इतना सुन लो नीता कि तुम्हारा पति निर्दोष है। And that's it. अगर तुम निर्दोष हो ना यश, तो सिर्फ भैया के सामने ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने ये साबित कर दो कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। क्योंकि यश, मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ, मैं इस
यश मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनीता कि मैं पूरी दुनिया के सामने साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। यश, यश मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। वकील साहब, आपने कहा था कि आप मेरे भैया को इस केस से बरी करवा देंगे। आई मीन आपने प्रॉमिस किया था ना, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ कहा तो था, ये तो मैं अभी कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे भैया के फेवर में 10 गवाह ऐसे खड़े कर दूंगा जो तुम्हारे भैया के साफ सुथरे करेक्टर की गवाही देंगे, और ऐसे चश्मदीद गवाह खड़े करूंगा जिन्होंने बाबू को पकड़ते हुए देखा है। मगर बाबू का क्या, बाबू अपनी झूठी गवाही दे रहा है। वो अपना जुर्म तो कबूल कर ही चुका है और पूरा इल्जाम तुम्हारे भैया पे डाल रहा है। बट भगवान जी, ये बाबू का कोई रास्ता निकालिए ना। मतलब आप बोलिए बाबू को, अगर ये केस कोर्ट में गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी समाज में। और भैया देखिए वैसे जिल्लत की जिंदगी से मुंह छुपाए कर रहे हैं। प्लीज भगवान जी, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कीजिए ना प्लीज। इसके दो ही तरीके हैं, या तो बाबू का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, या फिर उसे अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जाए। और बाबू की जबान तो वही कहेगी जो आकांक्षा दीक्षित चाहेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? जी हाँ भारद्वाज, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना लाचार पा रहा हूं, लेकिन अपने रोहित भैया के लिए मैं ये भी कर गुजरूंगा। ये नामुमकिन है। मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन अब अगर बाबू ने अपना बयान बदला तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा और अपनी जान हरेक को प्यारी होगी। वो पुलिस को मेरा नाम बताएगा तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मुझे मजबूरन आपका नाम भी बताना पड़ेगा। बता दो मेरा नाम, कहो बाबू से कि सारा इल्जाम मुझ पे डाल दे, आई डोंट केयर, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन मेरे भैया को जल्द से जल्द इस सारे पचड़े से निजात मिलनी चाहिए, दैट्स इट। मुझे आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है, कहीं आपका ये जज्बा हम लोगों को ले ना डूबे। मैं अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सुना आपने? आप तो खतरे की घंटी बजा रहे हैं, अब मुझे लगता है आपके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। बहुत सोचती हूँ, ये सारा जाल मेरा बुना हुआ है आकांक्षा दीक्षित, और ये गुत्थी भी मैं सुलझाऊंगा, तुम नहीं। लेकिन तुम्हारी गलतियों की सजा अगर मुझे मिले मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरी फैमिली तक उसकी भाप नहीं पड़नी चाहिए, सुना तुमने? जब जंगल में आग लगती है तो आग एक पेड़ से शुरू होकर पूरे जंगल में लग जाती है। आग ये नहीं सोचती कि ये पेड़ उसका है और वो किसी दूसरे का। आग तो सिर्फ जलाना जानती है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए आकांक्षा दीक्षित। तुम बाबू को उसका बयान बदलने के लिए कहोगी या नहीं, यस या नो? नो, मैं बाबू को अपना बयान बदलने नहीं कहूंगी। बाबू मेरा वफादार आदमी है और मैं उसकी बलि चढ़ने नहीं दूंगी। चाहे मेरे भैया की बलि चढ़ जाए, क्यों? तुम्हें मैंने अपना हमराज बनाकर बहुत बड़ी गलती की। आपने बिल्कुल सही फरमाया यशराज भाई, नागिन को कितना भी दूध पिलाया जाए डसना नहीं बोलती। आकांक्षा दीक्षित, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बाबू को अपना बयान बदलने को कहो, नहीं तो मुहावरे मैं भी तुम्हें बहुत दे सकता हूं। मैं तुम्हारी उस जंगल की आग नहीं हूं, लेकिन जिस दिन मैं जला सारी दुनिया को जला के राख कर दूंगा, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। फिलहाल चलता हूं। अब तो सिर्फ बारूद फटने की देर है आकांक्षा। बारूद फटा And you are finished.
हुकुम बहुत सालों बाद याद किया। मजबूरी गिरधारी, मजबूरी, वरना पुराने कामों से दूर रहना चाहता था, मगर यह दुनिया शराफत की जिंदगी जीने नहीं देती। कौन कौन है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है? सिर्फ तकलीफ नहीं, जख्म दिए है, जख्म दिए है। मनोहर को मार डाला उसने, गिरधारी, उसने मनोहर को मार डाला, मेरा हाथ काट दिया उसने, और मैं चुप रहूं? नहीं हुकुम, आपकी यह छटपटाहट हमसे देखी नहीं जाती। आप सिर्फ हुकुम कीजिए। खत्म करो, खत्म करो रोहित भाटिया को, खत्म करो, मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता। हो जाएगा हुकुम। ये गिरधारी आपसे वादा करता है कि उसका काम तमाम करने के बाद ही पानी पिएगा। जो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, लेकिन याद रखो खाली हाथ मत आना। आपका हुकुम सर आंखों पर। हे विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मुझे अपने पति से कभी सुख नहीं मिला, हमेशा दुख ही मिला, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। मेरे माता पिता की मौत हो गई, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज जब रोहित भैया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है और उसका दोष मेरे पति को दिया जा रहा है, तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? सावित्री ने यमराज से सत्यवान की जान वापस ली थी, लेकिन गणपति बाबा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक मामूली औरत हूँ। मुझे शक्ति दे गणपति बाबा, मैं आज आपके सामने ये प्रण करती हूँ कि मैं अन्न तब तक नहीं ग्रहण करूंगी जब तक रोहित भैया छूट नहीं जाते। हे गणपति बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं आपको तब तक बाहर नहीं निकाल पाऊंगी जब तक सारे संकट दूर नहीं हो जाते। मुझे माफ कर देना।
मनोकामना पूरी कर देना। गोली तो हमने चलाई पर गोली तो चली, कौन चलाया गोली? जरूर इसमें कोई राज है, हुकुम को बताना होगा। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो चल कर देखें कुछ तुम भी।